मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा कि अगर आपकी धनु लग्न है या धनु राशि है तो क्या कुछ बड़ा होकर रहेगा। 1 से 31 मार्च तक बड़ी भविष्यवाणी आपके लिए क्या है, किन किन विषयों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए और किन किन प्रकार के शुभ फल आपको मिलते हुए इस मार्च के महीने में दिखाई पड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न कुंडली क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझ सकते हो। उदाहरण के तौर पर आपकी लग्न धनु है और राशि वृश्चिक है तो धनु का वीडियो देख लेना, वृश्चिक का वीडियो देख लेना, दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत उपाय आप लोग जरूर करने की आदत डालें, क्योंकि यदि आप उपाय समय समय पे करते रहते हो तो उसका कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। अब जानकारी देंगे कि प्लेनेटरी पोजीशन क्या बनी हुई है, तो आप भाग्यशाली हो अगर आपकी धनु लग्न या धनु राशि है, क्योंकि आपके लग्नेश इस माह भी बढ़िया स्थिति में है, कहीं पर पीड़ित नहीं है। और दूसरी चीज, शनि देवता ये उदित हो जाएंगे 17 मार्च को, सूर्य जो कि आपके कुंडली में भाग्य का मालिक है ये चौथे भाव में बैठ जाएगा 14 मार्च को, और शुक्र देवता जो कि आपके कुंडली में छठे के मालिक हैं ये तीसरे स्थान में बैठ जाएंगे 7 मार्च को, और विपरीत योग यहाँ पर ये बना देंगे। और वहीं पर पंचमेश मंगल देवता शुरुआत में धन भाव पे रहेंगे, उसके बाद ये तीसरे भाव में शनि के साथ 15 मार्च से युति बना करके बैठ जाएंगे। यानी कि जो प्लेनेटरी पोजिशन है और जो आपके कारक प्लेनेट है आपकी कुंडली में ये सब ठीक ठाक बढ़िया स्थिति में बैठे हुए हैं। राहु और केतु का गोचर यथावत जारी रहने वाला है। कुछ मामलों में आपको दिक्कत अवश्य उत्पन्न होगी, उसकी भी मैं जानकारी दूंगा। अब पहले शुरू करते हैं नौकरी करने वालों के विषय में। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो स्थिति आपके लिए सो है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब नहीं है। थोड़ा बहुत यदि आप उपाय करोगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उपाय आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज, आपकी कुंडली में कर्म का मालिक बन जाता है बुध देवता, और बुध देवता आपके चौथे भाव में बैठने जा रहा है नीच का होकर के। हालांकि ये सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन बना करके बैठेंगे, लेकिन कोई भी ग्रह जब नीच का हो जाता है तो मान के चलो थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर दे देता है, खास करके वो जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव से संबंधित कमी वो कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति उपाय करते हैं थोड़ा बहुत भी तो उनको वो कमी दिखाई नहीं पड़ती है, इजिली वो सिचुएशन को हैंडल कर ले जाते हैं। तो कर्मेश का नीच होना एक तरफ माइनस पॉइंट है तो प्लस पॉइंट भी है कि कर्मेश का अपने ही भाव पे दृष्टि डाल देना कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाला होता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मार्च के महीने में अगर नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, ओम बुम बुद्धाय नमः या ओम गं गणपतये नमः कम से कम 51 बार रोज आप बोलने की आदत डालो। इससे स्थिति आपकी बहुत बढ़िया बनते हुए दिखाई पड़ेगी, नई नौकरी के योग भी खुलेंगे, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और वहीं पर कार्य क्षेत्र में प्रमोशन होने के भी योग बनेंगे। तो अगर नौकरी कर रहे हो तो ये उपाय आपको करना ही पड़ेगा, और अगर उपाय नहीं करोगे तो बुरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि दशमेश अपने भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं लेकिन स्थिति सामान्य बनी रहे। इसके अलावा विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति सुंदर बनी हुई है, शिक्षा उच्च शिक्षा में लाभ मिलता रहेगा, कैरियर में आपके ग्रोथ होती रहेगी निरंतर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं,
ये काम करते हैं या करना चाहते हैं, तो भैया स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनी हुई है। आप इस समय का समुचित मात्रा में लाभ उठा सकते हो, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियो पसंद आया करे तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। लग्नेश काफी मजबूत अवस्था में है और वहीं पर मंगल देवता, शुक्र देवता ये आपके तीसरे भाव में बैठ करके आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करेंगे, बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से, नौकर चाकरों से आपको साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्लस पॉइंट ये है कि लग्नेश जब तीसरे में बैठेगा तो एक तरफ एनर्जी लेवल बढ़ाएगा तो दूसरी तरफ भाग्य भाव पे दृष्टि डालेगा। उधर गुरु की भी दृष्टि, मित्र की दृष्टि आपके भाग्य पे पड़ रही है, जिसके फल स्वरूप जबरदस्त तरीके से दैवी कृपा का लाभ आपको पूरा महीना मिलेगा। यानी कि आप 2 कदम चलोगे तो भाग्य 10 कदम चलेगा, और इस दैवी कृपा की वजह से जिस काम में भी हाथ डालोगे सक्सेस आपको जबरदस्त तरीके से मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। आपकी कुंडली में इच्छा पूर्ति का मालिक, आमदनी का मालिक बैठने जा रहा है तीसरे स्थान पे। अपने स्थान से 9 पंचम का योग बनाएगा और कोई भी ग्रह नवम भाव की वृद्धि करता है। और जब आमदनी का, इच्छा पूर्ति का मालिक अपने स्थान से पंचम बैठेगा तो जाहिर सी बात है कि एकादश भाव आपका जबरदस्त तरीके से मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो इच्छाएं आपकी अधूरी है इस महीने मार्च के पूरी होने वाली है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब कुछ माइनस पॉइंट भी सुन लो। माइनस पॉइंट ये है कि थोड़ा बहुत आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, पहली चीज, क्योंकि वाणी स्थान का मालिक शनि पीड़ित अवस्था में चल रहा है। वाणी पर नियंत्रण नहीं करोगे तो अपनों से मतभेद कर बैठोगे। दूसरी चीज, इस महीना जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले आपके कुंडली में ग्रह हैं वो है 2। एक तो एक मंगल देवता जो कि आपके कुंडली में पंचमेश द्वादशेश होते हैं, दूसरी चीज गुरु देवता, ये बड़ा स्ट्रांग पोजीशन में बने हैं। और वहीं पर इच्छा पूर्ति का मालिक शुक्र देवता, ये भी बढ़िया जगह पे बैठा हुआ है। इसका मतलब ये रहा कि अगर लग्नेश को आप मजबूत कर लें, ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ब्रह्म सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप कर लें तो इच्छाओं की आपके पूर्ति तो होगी ही होगी। कई प्रकार के आय के द्वार भी आपके खुलेंगे और जीवन में सुख समृद्धि भी आए। एक सावधानी ये रखना कि अपने माता श्री का स्वास्थ्य 15 मार्च के बाद जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपके चौथे भाव में राहु के साथ सूर्य जैसे ही बैठेगा, ग्रहण योग बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण योग कार्य क्षेत्र पे तो दुष्प्रभाव नहीं डाल पाएगा क्योंकि बुध साथ में रहेंगे, लेकिन मान के चलो भैया माता श्री का स्वास्थ्य डगमगा सकता है। प्रेमी जोड़ों के लिए समय उत्तम चल रहा है। अगर बात करें अंत में वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है तो शादी शुदा जिंदगी वालों के लिए खुशखबरी है कि आपका जीवन मस्त तरीके से चलता रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।